हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के एजुकॉट। जी के एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी के बारे में जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर निकली है। जैसा आप यहां पर देख रहे होंगे, न्यू इंडिया एश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021, और ये 300 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया है। अगर पोस्ट की बात करते हैं तो इस पोस्ट का नाम है NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। NIACL क्या होता है? ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि नेशनल लेवल पर इंश्योरेंस कराती है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। NIACL जिसकी फुल फॉर्म है न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी है जो कि इंश्योरेंस करती है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एविएशन मैरिन इंश्योरेंस, इस तरह के इंश्योरेंस ये करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है। इसकी जो फाउंडेशन है वो 1919 ईस्वी में हुई थी और 1977 ईस्वी में इसको नेशनलाइज्ड किया गया था। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब इस पोस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो पोस्ट है वो NIACL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर निकली है। 24 अगस्त को इसकी पोस्ट डेट है और टोटल वैकेंसी है 300। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो आया, ये रिक्रूटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट स्केल 1 वैकेंसी के लिए है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे। अगर इसकी फीस की बात करते हैं तो ये 100 रुपीज चार्ज रहेगा SC ST PWBD। PWBD मीन्स पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए कॉमन फीस होगी 750 रुपये। इस पेमेंट को आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करोगे, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, या ऑनलाइन आपका जो भी मोड है उससे आप इसकी फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं। 1 सितंबर 2021 से वैकेंसी ओपन हो जाएगी, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर, यानी आपको 20 दिन मिलेंगे, 20 दिन के अंदर आपको इसमें अप्लाई करना होगा। इसके दो फेज में ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट फेज में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और सेकेंड फेज में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे वो कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव, यानी MCQ प्लस डिस्क्रिप्शन टाइप। फर्स्ट फेज का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा, और जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, नवंबर में। और ये दोनों डेट क्या है, टेंटेटिव है, यानी ये आगे भी बढ़ सकती है या चेंज हो सकती है। तो एक प्रकार से मान सकते हैं कि इनमें प्री और मेन दो प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन रहेगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और PWD के लिए 8 साल इसमें एज रिलैक्सेशन रहेगा, वो हम आगे नोटिफिकेशन में देख लेंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। कैंडिडेट जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वैकेंसी तो पहले बता चुका हूँ, 300 वैकेंसी के लिए पोस्ट निकली है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें दिखाया गया रिक्रूटमेंट ऑफ 300 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फॉर स्केल 1। वैकेंसी के बारे में बताया गया है, यहाँ पे टोटल 300 वैकेंसी होगी, जो SC के लिए होगी 46, ST के लिए होगी 22, OBC के लिए होगी 81, EWS मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके लिए 30 सीट्स होगी, और यू आर मीन्स अनरिजर्व्ड होगी 121। इसके अलावा PWBD यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए वैकेंसी होगी 17 सीट्स। ऑनलाइन डेट हम इसकी चेक कर चुके हैं, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी और ये 21 सितंबर तक चलेगी। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा, और फेज़ 2 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, नवंबर में। अगर इसके एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 21 से लेकर 30 साल तक है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी SC ST के लिए 5 साल की छूट होगी। अदर बैकवर्ड क्लास जो कि नॉन क्रीमी लेयर्स है उसके लिए 3 साल की छूट होगी, और डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए 10 साल की छूट होगी, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 5 साल की छूट होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है जो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और उसमें कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए, 60%, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कितने रहेगा, 55%। जो फाइनल ईयर और या फाइनल सेमेस्टर में अपेयर हो रहे हैं उन कैंडिडेट के लिए भी, वे कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह के एग्जाम होंगे, एक होंगे फेज़ वन में एग्जाम और दूसरे होंगे फेज़ टू में एग्जाम। फेज़ वन के एग्जाम प्री एग्जाम होंगे, उसमें क्या क्या रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फेज़ वन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें वो 100 मार्क्स का होगा और उसके लिए 1 आवर्स आपको मिलेगा। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, और ये सभी क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे। इंग्लिश के 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ से 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और हर सब्जेक्ट के लिए 20-20 मिनट मिलेगी। इंग्लिश का जो पेपर होगा वो इंग्लिश में होगा, और बाकी रीजनिंग और मैथ का जो पेपर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। और मेन एग्जाम में दो तरह के टेस्ट होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा वो 2.5 घंटे का रहेगा, जिसमें रीजनिंग से, इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस यानी जीके से, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हर पेपर जो होगा 50-50 नंबर का होगा, और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होंगे। टोटल टाइम मिलेगा 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो 30 मिनट्स का होगा, जिसमें लेटर राइटिंग और एसे आएंगे, और ये आपको ऑनलाइन ही कंप्यूटर में टाइप करना होगा। लेटर राइटिंग जो होगी वो 10 मार्क्स की होगी, और एसे राइटिंग होगी 20 मार्क्स की। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, जिसकी पेनल्टी होगी 1/4। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके 0.25 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। आंसर ना देने पर इस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। और इसका जो फेज़ 3 होगा उसमें इंटरव्यू होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 75:25 में बनेगी, मतलब कि 75 जो वेटेज दी जाएगी वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को दी जाएगी, 25 की जो वेटेज दी जाएगी वो इंटरव्यू को दी जाएगी। इससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और एक अच्छा अवसर, एक बढ़िया अवसर आप फाइनेंशियल सेक्टर में ढूंढ सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।